एल्गी की लेक्चर्स की कड़ी में हम लोग बात कर रहे थे क्लास क्लोरोफाइसी की, और आज हम लोग अपने लेक्चर में क्लोरोफाइसी के ही मेंबर वॉलवॉक्स का अध्ययन करते हुए इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। पिछले दो लेक्चर्स वॉलवॉक्स पे मैं पहले दे चुकी हूँ, उसमें से पहले लेक्चर पे हमने वॉलवॉक्स की क्लासिफिकेशन, उसकी अक्रेंस और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर का अध्ययन किया था। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने उसके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन किया था, और आज हम लोग उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मोस्टली जो ग्रोइंग सीजन जो होता है उसकी समाप्ति पर होता है, और जो वॉल्वॉक्स में जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको एंथ्रीडिया कहते हैं, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है इसको ओगोनिया कहते हैं। इस प्रकार से इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो ओगैमस प्रकार का होता है। इसमें कुछ स्पीशीज जो होती हैं वो मोनोशियस होती हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं उभय लिंगाश्री हो सकती हैं, और कुछ जो है वो डायोशियस या एक लिंगाश्री भी होती हैं। इसमें क्या होता है कि जो इसमें कुछ कोशिकाएं जो इसकी सिनोबियम की पोस्टीरियर साइड में जो कुछ कोशिकाएं होती हैं वो साइज में बड़ी हो जाती हैं, उसमें जो फ्लैजला है वो रिट्रैक्ट हो जाता है या उसका अपरास हो जाता है, और वो गैमेटेंजिया में कन्वर्ट हो जाती हैं। जो मेल गैमेटेंजियम होता है वो एंथ्रीडियम में परिवर्तित हो जाती हैं, और जो फीमेल गैमेटेंजिया है उसको ओगोनियम कहा जाता है। अब जो एंथ्रोजॉइड होता है, इसमें जो एंथ्रीडियम है इसमें क्या होता है कि इसकी जो कोशिकाएं हैं ये साइज में थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, और जैसे मैंने बताया ही कोशाभिकाएं अपरासित हो जाती हैं, पर ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा अपने एडजेसेंट सेल्स के द्वारा जुड़ी रहती हैं। अब जो पुंधानी का जीवद्रयक होता है उसमें निरंतर विभाजन होता है, और उस विभाजन की वजह से 16 से लेकर 512 तक छोटी छोटी रॉड शेप्ड कोशिकाओं का निर्माण होता है, और ये कोशिकाएं जो होती हैं ये बाद में रूपांतरित होकर मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स या एंथ्रोजॉइड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और ये जो एंथ्रोजॉइड्स होती हैं ये रिलीज हो जाती है जब मैच्योर होने पर ये रिलीज हो जाती हैं और रिप्रोडक्शन में मदद करती हैं। अब हम लोग बात करते हैं ओगोनियम के बारे में। तो सिनोबियम में जो अंडधानी का विकास होने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या होता है कि इसका जो जीव द्रवक है या जो साइटोप्लाज्म है वो विभाजित नहीं होता है, पर इसमें इनफैक्ट ये इसकी जो कोशिका होती है वो साइज में अन्य कोशिकाओं से काफ़ी बड़ी हो जाती है, कई गुना बड़ी हो जाती है। जो स्टार्टिंग में तो ये अंडधानी जो होती है या ओगोनिया जो है वो गोल होती है, बाद में ये हमें फ्लास्क रूपी नज़र आने लगती है, और इसका जो सारा का सारा साइटोप्लाज्म है वो हरा वो गोल एग बनाता है। इस एग में एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, एक इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और इसमें जो स्टोर्ड या संचित भोजन होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार की जो संरचना बनती है उसको ओगोनियम कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन जो है इसमें निषेचन के समय जो एंथ्रोजॉइड्स या पुमणु होते हैं वो तैरते हुए अंडधानी के निकट आ जाते हैं, और अंडधानी के मुख से ये सिनोबियम की जो अंडधानी का मुख है वो सिनोबियम के सरफेस की तरफ खुलता है, और वहाँ से एंथ्रोजॉइड्स तैरते हुए ये एग के अंदर ये जो मैच्योर एग है वहाँ उसके पास पहुँच जाते हैं, प्रवेश करते हैं। वैसे तो कई सारे पुमणु इसमें प्रवेश कर जाते हैं, परंतु इसमें क्या होता है कि केवल एक जो पुमणु या एंथ्रोजॉइड होता है वो एग के साथ फ्यूज़ हो जाता है, और फ्यूज़ होकर जायगोट का निर्माण करता है। ये जायगोट जो होता है अपने आसपास एक मोटी तीन स्तरीय भित्ति का निर्माण कर लेता है या वॉल का निर्माण करता है, जो कुछ मेंबर्स में चिकनी होती है और कुछ मेंबर्स में ये स्पाइनी या कंटकमयी भी हो सकती है। तो इसके बाद जायगोट का निर्माण हो गया, और ये जायगोट जो होता है जैसे मैंने आपको बताया अपने आसपास एक सेल वॉल का निर्माण कर लेता है, और ये सेल वॉल जो है वो तीन लेयर्ड होती है, जो एक्सोस्पोर, मेसोस्पोर और एंडोस्पोर। जो ये जायगोट होता है ये ओगोनियम के अंदर ही रहता है। जब अनफेवरेबल कंडीशंस ख़त्म हो जाती हैं तो जो पेरेंट कॉलोनी जो है वो डिके हो जाती है, और जो जायगोट है वो गिरकर पानी की सतह के ऊपर आ जाता है।
इसमें क्या होता है कि जो ये जायगोट होता है, ये इसके सर्फ इसमें क्या है, हिमेटोक्रोम्स भी पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये लाल रंग का होता है, और ये काफ़ी समय तक ये डॉर्मेंट स्टेज पे रहता है। जो ये जायगोट है वो जलकुंड की तली पर अनेक वर्षों तक वायबल रह सकता है। इसके बाद इसमें इससे जो डेवलप होकर और इसका अंकुरण होता है या इसका जर्मिनेशन होता है, जिस समय अनुकूल परिस्थिति आ जाती है उस समय जायगोट का अनुकरण होता है या अंकुरण होता है। अंकुरण के समय इसका जो डिप्लॉयड या द्विगणित केंद्रक होता है उसमें मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है। उसमें क्या होता है, उस प्रोसेस के दौरान, जैसे अभी आप इधर डायग्राम भी देखेंगे, जिस समय इसमें विभाजन, जिस समय जायगोट का अंकुरण हो रहा होता है, तो इसमें इसकी एक्सोस्पोर और जो मीजोस्पोर, जैसे मैंने आपको बताया इसमें तीन लेयर्स पाई जाती है इसकी वॉल में, एक्सोस्पोर, मीजोस्पोर और एंडोस्पोर, तो इसकी एक्सोस्पोर और मीजोस्पोर फट जाती है और जो एंडोस्पोर होता है वो एक विसाइकल या पुटिका के रूप में बाहर निकल आती है, और जो जायगोट का साइटोप्लाज्म है वो उस पुटिका में या उस विसाइकल पर स्थानांतरित हो जाता है। और यहाँ पर जो इसका जायगोट है, जायगोट का जो जीव द्रवक या साइटोप्लाज्म है, जिस प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिवीजन होकर सिनोबियम का निर्माण होता है, उसी प्रकार से डिवीजन होकर ये नए सिनोबियम का निर्माण करता है। तो ये इसकी लाइफ साइकिल आप देख सकते हैं। इसमें ऊपर की तरफ इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई दे रहा है और नीचे की तरफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई दे रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखिए एंथ्रोजोइड्स का भी निर्माण हो रहा है, ओगोनियम का निर्माण हो रहा है, जायगोट का निर्माण हो गया, और जायगोट जो है वो डिवाइड करके और नए सिनोबियम का निर्माण करता है, उसे फिर से नया सिनोबियम का निर्माण हो गया। इसमें जो एक चीज़ आप लोगों को और बतानी है जो है वो पीढ़ी एकांतरण या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो वॉल्वर्क्स में जो जीवन चक्र है वो अगुणतिक या फिर हैप्लॉन्टिक टाइप का होता है। इसके जीवन चक्र में जो डिप्लॉयड या द्विगुणित अवस्था होती है वो केवल एक जायगोट के द्वारा ही प्रदर्शित होती है, और इस प्रकार का जो लाइफ साइकिल होता है इसको हैप्लॉन्टिक टाइप का या अगुणित जो है वॉल्वर्क जीवन चक्र में जो द्विगुणित या डिप्लॉयड जायगोट के साथ साथ इसमें हैप्लॉयड फेज पाई जाती है। मुख्य रूप से जो फेज है इसमें हैप्लॉयड होती है, डिप्लॉयड फेज जो है वो सिर्फ जायगोट के द्वारा होती है, और इस प्रकार से इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि एक द्विगुणित जो जायगोट है उसके साथ साथ हमारे को हैप्लॉयड फेज जो इसकी मेन फेज है उसके बीच में जो प्रत्यावरण होता है या जो ऑल्टरनेशन होता है इसको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाएगा। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको ओडोगोनियम के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।